की आज टैग न्यूज ऑफिशियल पहुंची है मदनपुरा इलाके में, वार्ड नंबर 211 में यामिनी यशवंत यादव की तरफ से नकाब बुरका बांटा जा रहा है सिंधी सरकार और यामिनी यशवंत यादव की तरफ से। तो इनसे आज जानते हैं कि जो माहौल है आज का जो चल रहा है, क्या किस बेस पर ये नकाब बांटा जा रहा है, उस माहौल के अंदर आप जो ये नकाब जो तकसीम कर रहे हैं वो किस तरह से, कैसे आपको ये ख्याल है? एक्चुअली कोई ना कोई बात कभी ना कभी शुरू होती है पहली बार। तो जैसे सब यशवंत यादव जी को सभी एरिया की औरतें भाई मानती हैं, तो उनके दिल में ये ख्याल आया कि मैं अपनी जो दूसरी बहनें हैं उनको कोई ना कोई दिवाली का तोहफा मैं देता हूँ, लेकिन मेरी मुस्लिम जो बहनें हैं उनको क्या तोहफा देना चाहिए। तो सबसे बड़ा तोहफा तो मुझे लगता है हिजाब ही है, बुरका है। तो उनके दिल से ये ख्याल आया, फिर मुस्कान शेख, मिराज भाई, मुमताज शेख, इनसे सबसे ये मेरी शब्बो दीदी है नवानगर में रहती है, इन सभी से इन्होंने बात करके फिर ये एक इवेंट हमने किया कि ये तोहफा एक भाई की तरफ से बहन को जाना चाहिए। और ये कोई चुनावी इमला नहीं है, जुमला नहीं है कि चुनाव को मद्देनज़र रखते देखे, क्योंकि यशवंत यादव जी जो चीज़ एक बार शुरू करते हैं वो हमेशा के लिए शुरू रहती है, और ये हमेशा इस तरह से साल में एक बार होते रहेगा। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आपने इलेक्शन में आपने किस्मत अजमाई, और देखा जाए कि थोड़ा अपने इस मुस्लिम एरिया से जो है परसेंटेज जो है बहुत कम दिखा जा रहा है, फिर भी आप अपने हौसलों के साथ इस तरह से लगी हुई है, और जिस तरह से ऐसे माहौल भी आए, रामगिरी महाराज जैसे वाकयात आए, उसमें बयान आए, इस नज़रिए को कैसे देखती है और किस तरह से आप ये चीज़ें को कर रही हैं? एक्चुअली मैं ये सोचती हूँ, आपने लोकसभा की बात छेड़ी, तो 12 दिन की जो मुझे कैंपेनिंग का टाइम मिला था उसमें मैं 3,42,000 से भी ऊपर गई हूँ। तो 12 दिन के मेहनत में अगर इतना तक पहुंचना, ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। हारना जीतना ये दूसरी चीज़ है, कोई गम नहीं है हारने का। और रही बात, आपने खास करके उस कम्युनिटी की बात आप पूछ रहे हो कि मुस्लिम कम्युनिटी, तो उनकी कोई मजबूरी होगी, जो मैं समझ सकती हूँ एक इंसान अगर इंसान की मजबूरी नहीं समझता तो फिर वो इंसान इंसान कहने लायक नहीं होता है। तो शायद उस वक्त कुछ मजबूरी उनकी रही होगी जो मेरे साथ में नहीं चले पड़े, लेकिन दिल और दिमाग का मेल वो भी करना जानते हैं। और नहीं लगता कि पार्टी की आपसी लड़ाई में जो वोटर्स हैं, जो आवाम है, वो ये फैसला नहीं कर पाती, आपको नहीं लगता कि? मुझे लग रहा है हर चीज़ पार्टी के लेवल पे जाके सोचने से अच्छा है कि आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको कौन काम आ रहा है, क्या काम आ रहा है, क्या काम कर रहा है, कौन कितना फील्ड पे दिख रहा है, या आपको 10 साल में उसका फ़ोटो भी ढूंढने की मुश्किल पड़ी है, तो वो बातें आप पार्टी से उठकर इंसान बन के सोचना बहुत ज़रूरी है। पार्टी की पॉलिटिक्स अपनी जगह सही रही है, वो अपनी जगह रहने दीजिए, लेकिन आप एरिया में क्या चाहते हो, विकास चाहते हो, डेवलपमेंट चाहते हो। और यामिनी यशवंत यादव इनके एंट्री के बाद में, इनकी टीम के एंट्री के बाद में यहाँ पर बदलाव अगर आया है तो मेरे ख्याल से पार्टी से ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि आपने आवाज़ उठाई, उस वक्त मैं भी ऐवान में था, मैं भी वहाँ था, आपने जब उसने लोगों से बातचीत की, तैयार चुप रही है, मैं भी सीधे शाने यहीं आते हैं, बाकी बीजेपी के कई लीडर यहाँ आते हैं और सीधे उसकी मुखालफत करता हूँ। मैडम, आप यहाँ MLA हैं, आपको लगता है क्या कि इस हद तक जो है मुखालफत की जा रही है, हम जाना पहना पाए, नहीं मुझे किसी पार्टी का नाम यहाँ लेना बहुत कोई मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ। जो हुआ था आपने टीवी पे देखा था, आप शायद वहाँ थे तो आपने देखा था। और मैं सियासत में होके भी अगर एक चीज़ के लिए एक औरत लड़ सकती है तो उसको मकाम पर तक भी ले जा सकती है। मैं समझ नहीं पाया ये नजरिया किसी का।
मेरा नज़रिया ये एक औरत की तरफ है, जो औरत मुझे लगता है कि सहूलियत औरत को देनी चाहिए कि वो हिजाब पहनना चाहती है कि नहीं चाहती है। अगर वो पहनना चाहती है तो हम आप कौन होते हैं उनके ऊपर रोक लगाने वाले। वो सोचती है उसकी नज़ाकत अगर हिजाब में है तो उसकी नज़ाकत को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। और मेरे एरिया में इतनी लोग हिजाब में मैं देखती हूँ, तो ये मेरी एक पहल है उनकी तरफ, औरतों की तरफ, कि हाँ अगर आप हिजाब पहनना चाहती हो तो बेशक आप पहनिए। और ये मेरा एक कदम है यशवंत यादव सर के साथ में कि हम इस बात को ये इस तरह का तोहफा उनको देना चाहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से भाई का जवाब आपने दे दिया कि पार्टी से और हर चीज़ से उठकर इंसानियत हमेशा जीतती है। तो वो फैसला जो हुआ है, लास्ट टाइम भी ये फैसला हुआ था, सेम फैसला हुआ था, तो मुझे नहीं लगता है लोकसभा का असर अब कुछ बचा है। अगर बचता तो शायद इस तरह से ये चेंज नहीं होता। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी दोनों को भी, कमिटी का, जिन्होंने इस तरह से ये डिसीजन लिया है। मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रिया उनको अदा करना चाहूँगी। जरूर रहेगा, जरूर रहेगा। और मेरे ख्याल से शिंदे साहब ने गए टाइम भी जुलूस के इसमें बहुत सारी, मैं तो यहाँ पे यशवंत यादव जी का जिक्र करना चाहूँगी, जिन्होंने 3 करोड़ का प्रोविजन इस जुलूस के लिए किया हुआ है, और वो हमेशा के लिए किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से इससे बढ़कर क्या होता है, क्या है? आपका खून खून है, मेरा खून वही है, आप भी अनाज खा रहे हो, मैं भी अनाज खा रही हूँ, तो कौन सी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम क्यों आपस में इतना लड़ते हैं। क्योंकि जब अंग्रेज़ हम पे राज कर रहे थे तो हमने ये सोचा कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, ये गुजराती है, ये कहाँ से, बंगाल से आया है। हम एक होके हम उस वक्त सिर्फ भारतीय रहे, और इसीलिए अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा पाए, और हम आज आज़ादी के इस आबो हवा में हम सांस ले रहे हैं। तो हम ये क्यों बार बार जताए कि हम ये हैं? तो मेरे ख्याल से कोई किसी को नहीं ये कहे कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, कहे तो ये कहे कि मैं भी इंसान हूँ और तू भी इंसान है। मैं खुद उस जुलूस में शामिल रहूँगी, ट्रक पे रहूँगी और आखिरी तक रहूँगी, ये मेरा वादा है।